अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 26, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है, क्या चीज़ नई है जो और प्रश्नों से डिफरेंट है। यहाँ लिखा है आ बा और सा दो दो एक के अनुपात में एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा निम्न है, यानी उनका लायबिलिटीज और एसेट्स साइड लिखा हुआ है, वो तो आप देख ही रहे हैं। इनकी शर्त क्या है? शर्तों के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से दा को एक साझेदार के रूप में लेने को सहमत हुए। दा अपनी पूंजी के रूप में 5,000 रुपये लाएगा। स्कंध का मूल्य 2,500 रुपये से बढ़ा दिया जाए, यानी स्टॉक का दाम बढ़ाएंगे 2,500 रुपये से। देनदारों पर 10% से अशोध एवं संदिग्ध ऋण आयोजन के लिए प्रावधान किया जाएगा। भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये निर्धारित होगा। साझेदारों का नया लाभ वितरण अनुपात 5:5:3:2 होगा। अदत्त दायित्व में का को देय ₹1,000 शामिल है, जिसका भुगतान आने कर दिया, किंतु पुस्तकों में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नव गठित फर्म का चिट्ठा बनाइए यानी बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। इस सवाल के मुताबिक जो नई चीज़ है वह है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है जो हार्ड समझा जाता है वो है गुडविल। जो न्यू पार्टनर मिस्टर डी है वह अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता, बल्कि ख्याति का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं रिवैल्यूएशन की ओर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक का मूल्य 2,500 रुपये से बढ़ाया गया है, तो सीधा हम बाई स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई स्टॉक 2,500 रुपये लिख देंगे। फिर इन्होंने कहा देनदारों पर 10% से बैड डेट्स रिजर्व काटना है। डेटर्स हमारे पास 550 रुपये के हैं, अगर हम 10% से काटेंगे तो मतलब 550 नहीं मतलब 5,500 रुपये का है, अगर हम 10% काटेंगे तो 550 रुपये होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि और भवन का दाम 20% से बढ़ा दिया जाए। भूमि और भवन का दाम यहाँ 25,000 रुपये है, जिसका 20% बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये आएगा। डेबिट क्रेडिट का बैलेंसिंग करेंगे तो 7,500 क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट में 550 रुपये घटाने के बाद 6,950 रुपये का फायदा होगा, जिसे हम ओल्ड रेशो 2:1 यानी 2/5 और 1/5 के अनुपात में बांट देंगे तो 2780 और 1390 रुपये इनको मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वह आगे जाके बदल जाता है। आखिर बदल जाता है तो इसमें जो न्यू पार्टनर इसमें मिस्टर डी आ रहे हैं इनका रेशो आगे जा करके यहाँ देखेंगे लास्ट में 2/15 यानी इन सब का टोटल 15 होता है, तो नए रेशो के मुताबिक मिस्टर डी का जो हिस्सा है वो 2/15 है। इसका मतलब है मिस्टर डी 2/15 भाग के लिए आ रहे हैं 2/15 के लिए। अब हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, जो कि मिस्टर डी के द्वारा जो गुडविल का हिस्सा होता है वह गुडविल का हिस्सा ए बी सी के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगा। कितना बटेगा यह जानना बहुत जरूरी है। चलते हैं सैक्रिफाइसिंग की ओर। यहाँ लिखा है ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी 2:1 है, न्यू रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी 5:5:3:2 है, जो कि बुक में लिखा हुआ है। पूरी गुडविल जो फर्म की है वो 15,000 रुपये है 15,000। डी का हिस्सा उसमें से 2/15 है, जो कि मैंने आपको दिखाया लास्ट में, ये रहा 2/15। अब उसका हिस्सा गुडविल का 2,000 रुपये आता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो 2,000 रुपये है मिस्टर डी लेके नहीं आते हैं, बल्कि हम उनके कैपिटल अकाउंट में से इस गुडविल को निकाल लेंगे और उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे।
सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा ओल्ड पार्टनरों का ही निकाला जाता है, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशो हम करेंगे। तो अब जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ए के लिए ए का पुराना रेशो 2/5 यानी 2/5 है और न्यू रेशो 5/15 है। यहाँ पर देखेंगे माइनस करेंगे तो 15 एलसीएम होगा 15 और 5 तीन 15 तीन दूनी 6 और 15 का इसमें डिवाइड करेंगे 15 कम 15 एक आया 1 5 तो इस 6 में से 5 घटाएंगे 6-5=1/15। बी के लिए चेक करेंगे तो 2/5-5/15 क्योंकि 2/5 ये है 5/15 ये है, इसका भी सेम टू सेम 1/15 ही आएगा। अगर हम सी का चेक करते हैं तो सी का देखेंगे तो सी का 1/5-3/15 होगा। तो इसको चेक करने पर 5 3 15 यानी 3 आया 3 1 3 3 -15 1 3 3 हुआ 3-3 करेंगे तो निल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ ए और बी निकल के आएगा। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी का चेक करेंगे तो 1:1 यहाँ पर नज़र आता है। इसके बाद चेक करने पर पता चलता है कि जो डी के हिस्से की गुडविल है, अगर ध्यान से देखेंगे तो डी के हिस्से की गुडविल 2000 यानी 2000 रुपये है, जिसे ए और बी में इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा यानी 1/2 में इसको बांट दिया जाएगा। अर्थात 1,000 रुपये दोनों पार्टनरों को इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी के नाम से हम इनकी पुरानी कैपिटल लिखेंगे 12,000 और 5,000 रुपये। इसे लिखने के बाद बाई बैंक जो मिस्टर डी हैं वो अपनी पूंजी 5,000 रुपये लेकर आते हैं। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ध्यान से तो रिजर्व फंड है 6,500 जिसे हमें 2/5 में बांटना होगा। इसके बाद एक पॉइंट और भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है अदत्त दायित्व में काको दे का एक बाहरी व्यक्ति है जिसको 1,000 रुपये देना था, उसका भुगतान मिस्टर ए ने कर दिया 1,000 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे बाई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 1,000 एक खाते में डाल देंगे। इसके बाद मिस्टर डी अपने हिस्से की 2,000 रुपये गुडविल नहीं लाते हैं, वह गुडविल डी के नाम से ए और बी को दे दिया जाएगा। बाई डीज कैपिटल ए और बी के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे और डी के अकाउंट में से ए और बी को दिया गया है तो ए और बी के नाम से 2H कैपिटल अकाउंट 2B कैपिटल अकाउंट के नाम से ये 1,000 रुपये डी के खाते में डेबिट कर देंगे। इसके बाद दोनों तरफ का बैलेंसिंग किया जाएगा और चेक करेंगे आखिर बैलेंस सीडी का अमाउंट क्या होगा। इनका टोटल करने पर 19,380 है, यहाँ घटाने के लिए कुछ नहीं है तो 19,380 ही कैपिटल का बैलेंस होगा। मिस्टर बी का चेक करेंगे 18,380 है 18,380 जिसमें से घटाना कुछ नहीं है वही बैलेंस रहेगा। मिस्टर सी का भी चेक करेंगे तो वही बैलेंस है, लेकिन मिस्टर डी का 5,000 है, जिन्होंने 2,000 रुपये गुडविल वाले पैसे ए और बी को दिए थे तब इनका बैलेंस बैलेंस शीट में 3,000 का रहेगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनका कैश का बैलेंस क्या होगा और बैलेंस शीट हम किस तरह से मेंटेन करेंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान देंगे कि यहाँ पर लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन ना होने की वजह से क्रेडिटर्स का अमाउंट सेम रहेगा। अदत्त दायित्व यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 1500 का जिसमें से 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया गया है, अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मात्र 500 रुपये रहेगा। रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं, कैपिटल बदल चुका है, कैपिटल का जो बैलेंस है अब हम ये नई कैपिटल जो बैलेंस सीडी में आया है इसको लिखेंगे। तो बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है यहाँ ध्यान देंगे तो हम कैपिटल इसको लिखेंगे ए बी सी और डी, क्रेडिटर्स वही रहेगा जबकि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 500 रुपये लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लाइबिलिटी साइड का टोटल 61,000 यानी 61,800 हो चुका है।
इसके बाद जब एसेट्स की ओर जाएंगे तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 25,000 रुपये है, जिसमें से यहाँ पर बोला गया 20% बढ़ा दो, यानी 5,000 रुपये बढ़ा देंगे तो 30,000 हो जाएगा। फर्नीचर के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, फर्नीचर सेम रहेगा। स्टॉक के 2500 रुपये की वृद्धि होगी, जो कि स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है 11,750, उसमें हम 2500 रुपये बढ़ा देंगे तो 14,250 रुपये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स का। डेटर्स लिखा हुआ है 5500 रुपये का, उसमें से हम 550 रुपये यानी कि हम बैड डेट्स घटा देंगे, 4950 बचेगा। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया है, कैश एंड बैंक का हम टोटल करेंगे 960 प्लस 140। इसके बाद 5000 रुपये मिस्टर डी के द्वारा लाया गया है कैपिटल, जिसे हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद नया कैश एंड बैंक 6100 यानी 6100 हो जाएगा। इस प्रकार से बैलेंस शीट दोनों तरफ मिल गई है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।